बॉलीवुड स्टार्स अपनी एक्टिंग और स्वीट जेस्चर की वजह से लोगों के दिलों पर राज जरूर करते हैं, लेकिन कभी कभी कर जाते हैं ऐसी हरकत कि भरना पड़ता है जुर्माना। क्योंकि आप सेलेब हो या पब्लिक, नियम तो सभी के लिए एक होता है ना। तो चलिए आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं उन सेलेब्स की लिस्ट जिन्होंने तोड़ा नियम और कटे चलान। कार्तिक आर्यन। अपनी फिल्म शहजादा को लेकर लाइमलाइट में छाए हुए कार्तिक आर्यन हाल ही में ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए नजर आए, जिसकी जानकारी मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्वीट कर दी। आपको बता दें कि ये उस वक्त की बात है जब शहजादा के रिलीज के बाद कार्तिक आर्यन अपनी फैमिली के साथ सिद्ध विनायक मंदिर में भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। वरुण धवन। साल 2017 में वरुण धवन ने भी ट्रैफिक रूल को तोड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वरुण ने सड़क पर एक लड़की के साथ सिग्नल पर सेल्फी ली थी, जो कि काफी डेंजरस था। इसका फोटो भी खूब वायरल हुआ था। हालांकि पुलिस की फटकार के बाद वरुण ने माफी मांग ली थी। टाइगर श्रॉफ। साल 2021 में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को लॉकडाउन रूल को तोड़ने के लिए जुर्माना भरना पड़ा था, जिसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर दी थी। ये न्यूज तभी काफी वायरल हुई थी। सारा अली खान। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सारा अली खान एक शूटिंग के दौरान बिना हेलमेट की पकड़ी गई थी और ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए उन्हें भी जुर्माना भरना पड़ा। आयुष शर्मा। सलमान खान के जीजाजी आयुष शर्मा ने भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ा था। रिपोर्टेडली गुजरात में वरीना हुसैन के साथ वो बिना हेलमेट के बाइक पर दिखे थे, तब वो अपनी फिल्म लव यात्री का प्रमोशन कर रहे थे। वेल, तो ये थे वो सेलेब्स जिनको ट्रैफिक तोड़ने के चक्कर में लग चुका है फाइन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।